हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअली आज जो है ना प्रीपोजिशन वह पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? वो आएगा जब आप वॉइस बनाओगे ना, तो वॉइस बनाने के क्रम में अक्सर ये सारे वर्ड काम आएंगे। अक्सर हम लोगों के नज़र में होता है क्या है कि वॉइस का मतलब बाई लगा होगा, जैसे राम ईट्स अ मैंगो, मैंगो इज ईटन बाई राम। तो अक्सर हम लोग सोचते क्या है कि बाई लगा है तो बाई राम होगा तभी वॉइस होगा। हे आई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ज़रा ध्यान दो ना कि बाई नहीं लगा है तो क्या वॉइस नहीं होगा। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, यहां पे वर्ड है नो। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहां पे देखो हमने कहा आई नो यू। अब आई नो यू हमसे कहा, आपसे पूछा कि आई नो यू। अब जरा इसका वॉइस बनाकर जल्दी दिखाओ, जल्दी बताओ वॉइस इसका क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे? यू। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो यू को ले जाओगे यहां, आई को ले आओगे यहां, तो आप बोलोगे कि यू आर नोन बाय मी। ऐ ना करोगे आप, यू आर यहां पे आई को यू कर दोगे, यहां पे आर कर दिया, नो को नोन कर दिया, बाई मी कर दिया, यही ना वॉइस बनाओगे। यही तो गलत हुआ, यही तो आज सिखाने आया हूं, मैं बताने आया हूं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाई नामक प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। इन सारे शब्दों के बाद, बाई नामक प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ये बात समझ पा रहे हो आप? इन सारे शब्दों नो के बाद, इनवाइटेड के बाद, लिसन के बाद, प्रेफर्ड क्वालिटी के बाद बाई नहीं आएगा। इसके बाद भी बाई नहीं आएगा, इसके बाद भी बी बाई बाई नहीं आएगा, तो क्या आएगा सर? वही तो सिखाने आया हूं। तो सबसे ध्यान दो नो का मतलब जानना, इनवाइटेड इनवाइट करना। अब इनवाइटेड दो तरह से, एक पार्टी में भी इनवाइट करते हैं, एक कोई व्यक्ति भी इनवाइट करता है, तो इनवाइटेड पे ध्यान देंगे हम लोग। तो जब इन सारे शब्दों के साथ टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं बाबू? टू लगाते हैं। इन सारे शब्दों के बाद टू लगाते हैं। आई नो यू, यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी नॉट बाई मी। समझ में आया? जैसे इनवाइटेड, मिस्टर शर्मा इज इनवाइटेड टू द पार्टी। मिस्टर शर्मा पार्टी में इनवाइटेड किए गए हैं, तो इनवाइटेड टू द पार्टी। बात समझ रहे हो? ही इज इन्वाइटेड बाई राम। अगर इन्वाइटेड के साथ पार्टी जुड़ा हो तो टू लगाते हैं, और कोई पर्सन जुड़ा हो, पर्सन, तो यहां पे बाई लगाते हैं। अगर व्यक्ति जुड़ा हो तो बाई लगा। नया चीज सीखो ना, अंग्रेजी का क्रांतिकारी चीज सीखो। इनवाइटेड अगर भाई वॉइस 25-20 नंबर का पूछता है आपके एसएससी में, सीपीओ में, और डे टू डे लाइफ में कितनी बार बोलते हो, नो के साथ क्या लगाओगे बाबू? टू। इनवाइटेड के साथ टू भी लगाना, बाई भी लगाना, लिशन के साथ टू लगाना, प्रेफर्ड के साथ टू लगाना, एडिक्टेड के साथ टू लगाना। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, तो एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड के साथ सबके साथ क्या लगाना? टू का प्रयोग। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, ये सबको लिख लो, बैठ के पॉज करो, लिख लो कॉपी किताब लिखा के, ये सब बहुत एग्जाम्पल में काम आएगा। तो इन सबके साथ प्लस करके टू लगाइए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा भाई? तो हमने कहा नो टू, यू आर नोन टू मी, ही इज इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई एम लिसन टू योर, तो लिसन टू, प्रेफर टू, एडिक्टेड टू, इस तरह से आपका काफी तैयार हो जाएगा। आई होप याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है चुटकियों में याद करो, चुटकियों में, एक पल में याद हो जाएगा। वॉइस बनाओ 20 नंबर का। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला वर्ड है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब कृपया, ना ना, प्लीज्ड का मतलब खुश हुआ, मैं तुमसे खुश हुआ, आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम प्लीज्ड विथ यू। तो प्लीज के साथ बिथ लगाओ, क्वेरल के साथ बिथ लगाओ, सेटिस्फाइड का बिथ लगाओ, डिसप्लीज्ड बिथ लगाओ, डिससेटिस्फाइड बिथ लगाओ, डिसगस्टेड बिथ लगाओ, यानी इन सब के साथ विथ का प्रयोग करो, विद का। कह तो नहीं आता अंग्रेजी, अब ना अंग्रेजी आएगा, तो इस तरह से काम करो। आप कहते हो सर अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं, तो दिल्ली आ जाओ ना, दिल्ली दूर नहीं है, आप अब क्रांति फैलाने के लिए आ जाओ दिल्ली, मुखर्जी नगर दिल्ली में, धर्मेंद्र सर आज और डीएसएल। अब आप यहां से सीखोगे अंग्रेजी, घर नहीं आना चाहते, घर मजबूरी है, तो आप ऑनलाइन क्लास कर लो, घर बैठ के मोबाइल पे पढ़ो, अपने टीवी पे पढ़ो, यूट्यूब तो पढ़ ही रहे हो, यूट्यूब अच्छा साधन है,
लेकिन आप ऑनलाइन भी पढ़ लो और नीचे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है इस पे डॉट क्लिक करके आप आगे बढ़ो और सीखो, घर बैठ के सीखो अंग्रेजी, गांव में, घर में, देहात में, कहीं भी अंग्रेजी पढ़ सकते हो आप। अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली आ भी सकते हो और घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। फेस टू फेस पढ़ना है तो दिल्ली आ जाओ। अब यहाँ बात करें, प्लीज्ड, क्वेरल, सेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, डिससेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, सबके साथ क्या लगाओगे? विथ, आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू। ध्यान देना, बहुत मिस्टेक होता है एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ है, बोल चाल में हम लोग गलती करते हैं। आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, सेटिस्फाइड विथ, ही इज डिसप्लीज्ड विथ मी, तो डिसप्लीज्ड विथ मी, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, तो ये वर्ड याद कर लिया, आजीवन पूछेगा। अगला लिस्ट देखो, लिस्ट नंबर 3 क्या है यहां? अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना, अनॉयड क्रोधित होना, चिढ़ जाना, नॉक्ड खटखटाना, वंडर सरप्राइज्ड, शॉक्ड हो गए, शॉक्ड सरप्राइज्ड हो गए। तो ये सब वर्ड क्या है? इन सब के साथ प्रीपोजिशन एट लगाइए। अब क्या लगाया हमने? इनके साथ टू, इनके साथ विथ, इनके साथ एट लगाया। अब क्यों नहीं आएगा अंग्रेजी? एक बार इतना याद कर लिया, इसका हमने एक पार्ट वन भी दिया हुआ है जो पिछले दो चार दिन पहले डला हुआ, वो भी आप देख लीजिए। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आएगा ही आएगा, ये सत्य है। क्या कहा हमने? ही इज अमेज्ड एट, ही इज अनॉयड एट, ही इज नॉक्ड एट, ही इज वंडर एट, ही इज शॉक्ड एट, आई एम सरप्राइज्ड एट, आई एम सरप्राइज्ड विथ नहीं, आई एम सरप्राइज्ड एट, आई एम शॉक्ड एट विथ हिज बिहेवियर। तो आई एम शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, तो आई एम शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, तो शॉक्ड एट, तो एट का प्रयोग करेंगे, सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप प्रयोग करिए, और कभी भी लाइफ में दिक्कत हो तो आप हमेशा याद करें, कमेंट करें और क्या वीडियो चाहिए। आप नेगेटिव हैं, आप अंग्रेजी के परेशान हैं, आप घबराओ मत, धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करते हैं। आप YouTube देख रहे हो, देखते रहो, अंग्रेजी वहीं सीख जाओगे आप। आपको जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट करो, आप किस चीज पे वीडियो बनाऊं, अंग्रेजी में कहां कहां परेशानियां हैं, धीरे धीरे एक एक करके क्लियर होगा। अब एक बच्चे का क्लियर नहीं होता तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, बहुत दिन से प्रीपोजिशन का डिमांड था, अब प्रीपोजिशन चुटकियों में सीखें, अब प्रीपोजिशन चुटकियों में देखें और इस तरह से याद करो। मैं एक एक कर छोटे छोटे वीडियो देता रहूंगा, ये सबका एक बड़ा स्क्रीन शॉट बढ़िया से ले लो और फिर इसको रटते रहो, याद कर लो, और ये हमेशा काम आएगा स्पीकिंग में, राइटिंग में और एग्जाम में। ठीक है, पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।